यार पहला हम बैठ जाए तुम्हारी अभी वो पैसे बस मैं के गई तो इसने मुझे वहाँ शॉपिंग करना मुश्किल कर दिया यार कभी इधर भागे। हालांकि मैंने इससे वादा किया कि बेटा तुम्हारे पैसे वो मेरे पे समझ लो मैंने देने हैं। मामा बैठने दो, मम्मा को यहाँ बैठने दो। थैंक यू, आप मेरे पास बैठो। एक मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा नहीं आप इधर आओ ना, आपकी बात कर रहे। अच्छा क्या खर्च नहीं करने दिया, क्या बात कर रहे थे? मुझे शॉपिंग तंग कर दिया वो सारे डॉलमिन को पता चल गया कि मैं इसके पैसे नाराज होके इधर कभी उधर कभी उधर, और उसमें से आधे तो उसने खुद खर्च कर लिए। 30,000 आपने किए, 2,000 मैंने किए। बर्गर पर मैंने बस एक बर्गर खाया, एक बर्गर तो खा सकता हूँ, शॉपिंग तो नहीं खा सकता। अच्छा बात सुने, कभी अगर आप दोनों की लड़ाई होती तो इसका क्या हाल, मतलब ये इसका क्या अमल होता है उसमें? मुझे कहते मामा चुप करते हैं, मामा मुझे वॉशरूम आना है। लेकिन नहीं कभी लड़ाई इसके सामने ऐसे लड़ाई नहीं होती, थोड़ा सा इसको लगे ना कि मैं कह रहा हूँ यार है ना इस तरह भी क्या है। उसके बाद ये होता है कि मामा बस आप मान जाए ना, या मुझे क्या बस ना तो बस को फिर हम इसके सामने यार ये बड़ा अच्छा आइडिया यार, सारे बच्चों शुरू कर दो। मुझे नींद आ रही है मामा, मुझे वॉशरूम जाने की, ये मैं यहाँ से माँ को तो लेके चलू ना, अम्मा को कुछ नहीं कहता। चिल्ला उसे पता है अब्बा ठीक होते हैं हर वक्त। अच्छा अगर आपसे कोई नाराज हो जाते हैं मम्मा या पापा तो फिर आप कैसे मनाते हो? बाबा तो मेरे से बस कभी वैसे नहीं हुए, लेकिन मम्मा कभी कभार जब मैं बदली तो हो जाती है। फिर क्या करते तो हो? मैं उनसे सॉरी कहती हूँ, सॉरी ना सॉरी गले गले लगाते हो ऐसे दूर दूर से? सॉरी सॉरी मम्मा सॉरी, अच्छा सॉरी कर देना, अच्छा सॉरी, अच्छा आपने सॉरी नहीं की ना, सॉरी नहीं की। इतना तंग करता है कि दिल चाहता है अच्छा भाई सॉरी माफ कर दो। हाँ अच्छा मैंने इसको बिगाड़ने में ना इकरार का बहुत ज्यादा, जो थोड़ा बहुत बिगड़ा है ना ये, और जो जिदे इसने करना शुरू किया वो इकरार की वजह से, वरना मेरे साथ ही सीधा रहता था। मैं बताऊँ क्यों इकरार ऐसा करते होंगे, क्योंकि जब कम मिलता है ना बाप तो वो फिर वो उनको डांट नहीं। टर्की में इतनी शदीद सर्दी थी यकीन करें, और उसने रात को पता नहीं 1 बजे 2 बजे मैं तो दूध पी के सोऊंगा, और फिर बाबा बेचारे ठंड में बाहर गए और लेके आए। मुझे तरस आ गया, इसी को तो माँ बाप कहते हैं, इसी को तो माँ बाप कहते हैं। और हम इसे कुछ कहते हैं तो ये कभी नहीं मानता, बड़ा होके मानेगा, हर नहीं मानता, हर चीज रिपीट होगी। इतना अच्छा अच्छा इसमें कोई शक नहीं, इसलिए नहीं कि हम टेलीविजन पे हैं, लेकिन सच में बड़े मुझे नहीं याद पड़ता किसी को बात समझाई हो। बच्चा जाहिर एक आध बार तो जरूर आगे से कहेगा जिद या कुछ भी मांगता है, लेकिन उसको समझाए लॉजिक के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। कैसे एक्सबॉक्स तो आज तक नहीं माना अभी तक, तो बच्चा खेल बस जिम्मेदारी खेल रहा, बच्चा खेल फोर्टनाइट सारी दुनिया के बच्चे खेल। हाँ सारी, लेकिन पूरे दिन तो नहीं खेलते ना, पूरे दिन का पूरा दिन नहीं खेलते। हमने एक टाइम डिसाइड किया, अब उस पे कोशिश करा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। बेटा आंख के चश्मे लग जाएंगे, मेरे बेटे के चश्मे मेरे पास है लग चुके। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले हमने थान की बात की थी काले कपड़ों के, है ना याद है? अच्छा वो एक बंदा है, अब वो हमें खुद ही काला कपड़ा भी दे जाता है, उसको बता देते हैं कि भाई इसको सीधे तो वो सीखे भी घर दे जाते हैं, तो अब हमें बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ब्रांडिंग कर दो बेटा। अच्छा सुने कभी तो दिल चाहता होगा कुछ और पहनने का, कभी कोई और कलर? हाँ वो कुछ खास मौकों पे पहनते हैं। इनको शायद अफ्रीदी फाउंडेशन में होप नॉट आउट, शायद अफ्रीदी या जो थे तुम सारी ब्रांडिंग करते थे तो वो पहनते हैं। अच्छा और उनको एक शर्ट भेजी थी वो भी। हाँ छुट्टियों पे जाते होंगे तो कपड़ों की भी छुट्टी होती होगी ना, काले कपड़ों की? हाँ वो फिर होता है कि बाहर थोड़ा आप फिर आप थोड़ा वेस्टर्न कपड़े पहन, वेस्टर्न भी और जरा जाहिर वो ट्रैवलिंग में आपकी आसानी भी, तो फिर आसानी भी होती है, तो बाहर बाहर ज्यादा पहनता हूं। इकरार अब मतलब लाइक जैसे हमें स्कूल यूनिफॉर्म से ना कुछ उलझन होने लगती थी, तो आपको नहीं होता कि? नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ा जिंदगी में कंफर्टेबल हो गया, अब तो पतले भी हो गए। हाँ लेकिन मेरी एनर्जी जो है ना 50% बड़ा मुश्किल है कि आज क्या पहने आज क्या पहने, अच्छे कार हो काले पहने ना, तुम्हारी तुम्हारी मुश्किल आसान है। हाँ मुश्किल आसान है, ये शर्ट पहनो ये निकाले, ये सिर्फ वो नहीं शॉपिंग नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं जिंदगी में आपको सिर्फ ये है कि यार कुछ नया ले लूँ कुछ शर्ट कोई कुछ ना, आपको कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप लोग बहुत ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह, तो उस ट्रैवलिंग में शॉपिंग आपने कहा माइनस हो गई, तो मेरी तकरीबन 5% होती है हल्की फुल्की सी कुछ, तो उस वक्त आप लोग क्या सीखते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, क्या सीखते होते हैं? मैं तो लिटरली शुरू में जाता था तो मैं डिप्रेस हो जाता था। अच्छा 12 दिन 15 दिन पाकिस्तान याद आ रहा है? पाकिस्तान याद तो आता है जाहिर है, तो 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता पाकिस्तान, आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन
वो वहाँ का कल्चर, वो चीजें जो हमें करनी चाहिए, वो चीजें जो हमारा मजहब सिखाता है, मुस्कुरा रहे हैं लोग, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद के मामले में जितना एक दूसरे का ख्याल है, इशारों पे जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं, किस तरह से जो माजूर अफराद हैं उनकी, यू नो वो सारी चीजें जो एक इस्लामी फलाही रियासत में होनी चाहिए, वो पूरा मॉडल उठा के वेस्ट ने अपना लिया और बेहतरीन तरक्की कर रहा है, शानदार लोगों की जिंदगी अच्छी। तो मैं जितनी चीजें देखता था ना, आपने टक्कर मारी है किसी को, वो आपको सॉरी बोलेगा, वो कोई नहीं, आपको हर लिफ्ट में कोई जानता नहीं जानता, आपकी हेल्प करेगा, आपको स्माइल करेगा, आपको यू नो हाय हेलो कुछ ना कुछ, आपकी एक पॉजिटिविटी, एक वाइब वाइब अच्छी वाली। तो मुझे तो होता है कि यार ये सारी अच्छी चीजें ना यहाँ चली, और हैं हमारी चीजें ही, वो हमने छोड़ दी है और सबने अपना ली है। तो मुझे तो बस मेरा दिमाग थी कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा होता है कि यार ये सिस्टम, मसलन मैं कहीं स्कूल में गया हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, वहां पे येलो बस है, वहां पे कैसे लोग स्कूल के बच्चों को रास्ता देते हैं, तो वो सारी चीजें मुझे होता है कि अल्लाह क्रॉस करना, सिग्नल नहीं तोड़ना, एवरीथिंग, सफाई, हाँ, मतलब एक बुड्ढा आदमी भी बेचारा एक एक चीज उठा रहा था, चैलेंज कर सकते हैं आपको जगह ऐसी, हाँ, कि आपको पुर्जा तक नहीं मिलेगा कोई, हाँ, कागज का, हाँ, तो मुझे होता है अल्लाह करे बस ये किसी तरह सारा कुछ जो है ना वापस चला जाए, हमारी ही चीजें, हम ये अंदर से होना पड़ेगा, जड़ों जड़ों में होना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी, मुझे लगता है सख्ती होगी, सख्ती करने से जब तक आपको गदर चलना फेंकने पे फाइन है भाई, मैंने मुझे पता है क्योंकि उनका मुझे इतना ज्यादा महंगा रेलवे था वो भी च्युइंगम फेंकने पे भी सड़क पे फाइन है, और च्युइंगम खाना भी फाइन है, खाना फाइन नहीं है, नहीं मतलब लाइक आप नहीं खा सकते रोड पे क्योंकि वो थ्रो करते हैं, तो सही कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे तो लोग पान की पीपे फेंक देते दीवार पे यार, और नॉर्थ कोरिया में तो आप जीन्स भी नहीं पहन सकते, ये क्या, अच्छा ये इसका मुझे नहीं पता, ये कोई नई बात है, रियलिटी टीवी, एक तो इसने रियलिटी टीवी देख के पता नहीं क्या क्या चीजें ये सीख गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और वहाँ पर आप सिर्फ हुकूमत के दिए गए हेयर स्टाइल ले सकते हो, और आप वहाँ क्या, और चाइना में क्या अलाव है ये बताओ, चाइना में सिर्फ वन चाइल्ड रखा, कितनी इसको तवज्जो देते हैं, माशाल्लाह हमारे सामने ग्रो कर रहा है, टैलेंटेड, अल्लाह ताला इसको नजरबंद से बचाए और बहुत बड़ा आदमी बनाए, माशाल्लाह। मैं हमेशा से बात सिखाता हूँ कि देखो जिंदगी में जो भी करना है कोई काम भी किया जा सकता है, कोई काम भी, ये ना बहुत सुनते हैं हम कि कोई काम भी छोटा नहीं होता, वाकई ऐसा है, बिल्कुल, आप कीबोर्ड बजाते हैं, आप गोल्फ खेलते हैं, आप गिटारिस्ट हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप एंकर हैं, आप कोई छोटा कोई काम अगेन छोटा नहीं हो, तो कुछ भी करें आप जैसा काम वो दुनिया में कोई और ना करता हो, यानी जो भी करें इतनी परफेक्शन के साथ, यूनिक, आप अपना काम बस वो आप ही करते हो और कोई ना करता हो, तो अल्लाह करे बस कुछ जो भी इसके नसीब में लिखे अपनी मर्जी से करें, उसे एंजॉय करें और ऐसा करें कि बस उसकी कोई मिसाल ना हो, इंशाल्लाह। अच्छा पहलाज मुझे बताओ आपकी कौन सी आदत है जो मम्मा जैसी है और कौन सी आदत है जो बाबा जैसी है? देखिए मम्मा ना जब भी कोई अच्छी चीज नजर आती है मम्मा मतलब जिस तरह कोई डरना चीज वो देखो, जिस तरह कोई अच्छी चीज वो देखो, मेरे बाबा के साथ अगर मैं फ्रेंड सीट पे बैठूं, अरे बाबू देखो जहाज, बाबू वो मम्मा की तरह है आपकी याद, तो वो एकदम जब बंदा साथ में परेशान हो जाता है कि यार मतलब क्या हो गया, इस बात पे क्या से बहुत डांट पड़ा कर दी, पहलाज भी काम कर दो, गाड़ी चला रहे हैं बाबू देखे बच्ची है, अब क्या अजीब हो जाएगा, क्या बाबा वो देखे बच्ची है, खरी बच्ची है, फर्क क्या बना गया, अच्छा भाई अब्बा की कौन सी आदत है पहलाज? बाबा की बाबा टीवी देख के खाना खाते हैं कभी कभार, मैं ज्यादातर मैं टीवी, ओ ये वाली आदत है, मुझे होता है खाना खाने का जो 15-20 मिनट का वक्फा है उसमें आप टीवी टिकर्स, एक और आदत ना मेरे जैसी, आप जब ये मेरे साथ ही करते हैं तो मुझे अंदाजा होता है इकरार को कितना गुस्सा आता होगा, इकरार को भी नाराज होने से मैं कहती थी अच्छा सॉरी ना इकरार चले छोड़े ना, अच्छा चले सॉरी ना छोड़े, तो इकरार मुझे कहते थे ऐसा ये ना किया करो, बस बात हो गई ना खत्म, अब जब पहलाज ही करता है ना तो आप यानी आपने क्या कहा सॉरी, अभी चलो ठीक हो, अब आप जो नहीं देखे हम नाराज तो नहीं है, लेकिन इतना इरिटेट, अब जब पहलाज ये कहते मामा प्लीज ना आपको मेरी कसम ना, जब प्लीज मामा सॉरी ना, कहते अच्छा माफ कर दो, अच्छा इकरार आपको लगता है कोई ऐसी आदत जो पहलाज की आप जैसी है खुद आपको लगता है?
ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ مجفر شریف النفس بچہ ہے. کبھی اس نے کوئی الحمدللہ آپ بھی جانتی ہیں مارننگ شوز میں آ کے بچہ کچھ چیز اٹھا رہا ہے بھاگ رہا ہے پھول کے نیچے چلا گیا کبھی کبھار ہوتا ہے گرے گا مطلب کبھی اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں کچھ کہیں خدا نہ خواستہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بلکہ آج کل تو وہ چل بھی رہا نا سوشل میڈیا پہ میں نے کہیں لکھ دیا تھا بچپن میں کہ جی میں بچپن میں چوتھی جماعت میں میں نے یہ کتابیں پڑھی تو لوگوں نے بڑی اس پہ حیرت کا اظہار کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا چوتھی جماعت کا بچہ کیسے کر سکتا ہے تو آپ کو جو ماحول ملتا ہے آپ اس میں اس جیسے بن جاتے ہیں اب اس کو یہ ماحول ملا ہے ٹیلی ویژن کا کیمروں کا یہ بک ریڈ کرتا ہے ہاں بالکل کرتا ہے لیکن وہ ہمارے دیکھیں ہمارے پاس نہ موبائل تھا ہمارے پاس نہ گھر پہ ٹی وی تھا آپ نے اس کو پہلے آج کو بتایا یہ کہ لائک ہم نے کتنی محنت کر کے ہم نے کہاں سے لائک شروع کیا اور ہم کہاں تک پہنچے ابھی میں نے اس کو ٹرکی میں بات سمجھائی میں نے کہا دیکھو تم جو کچھ یہ لگژری زندگی کی انجوائے کر رہے ہو نا تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے یہ بابا ڈیزرو کرتے ہیں بیکاز بابا نے ایک گاؤں سے اور وہاں کے سے اب تک کا یہ سفر طے کیا ہے تم پر یہ اللہ تعالیٰ بتایا آپ نے پہلے آج کو بتایا کہ تم پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کو تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کو اور ہمبل ہونا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اسٹرگل کر کے ساری چیزیں حاصل کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے میرے باپ ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھار میرے میاں بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو لگژریز دے دی ہیں کہیں بچے خراب تو نہیں ہو جائیں گے کہیں کیونکہ ہم نے ہماری اماں ابا نے ہمیں پبلک بسز میں بھی سفر کرایا ہے کہ ایک اسٹرانگ بچے بنیں گے وہ تو اس طرح کی کوئی سوچ آپ سوچتے ہیں کہ بچوں کو پالنے کے لیے ہم ظاہر ہے یہ لوگ تو سونے کا نمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی اسٹرگل کی ہے. میں سوچتا ہوں آئی وش یہ رکشوں میں سفر کرتا بیکاز وہ جو لرننگ بھی ہے نا ندا وہ بھی مزے کی ہے. آپ بسوں میں جب ٹریول کرتے ہیں آپ جب پیدل فٹ پاتھوں پہ چلتے ہیں آپ جب وہاں فٹ پاتھوں سے اٹھا کے کتابیں تو وہ میری زندگی کی بڑی خوبصورت یادیں ہیں بڑے اچھے لمحے اور آپ نے جس سے لوگوں کے بیہیویئر سیکھے ہیں کون کیسے سلوک کرتا ہے پبلک ڈیلنگ کیسے کی جاتی ہے کون غصہ کرتا ہے آپ پہ کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بھی حکا جو پی رہے ہیں وہاں بیٹھ کے بھی آپ نے بات کرنی ہے آپ نے جو تھڑے پہ بیٹھ کے بھی بات کی ہوئی ہے آپ نے بیٹھکوں میں بھی باتیں کی ہوئی ہیں ہر طرح کے لوگوں میں اوتا کہ وہ آئی وش اب لیکن اب ہو نہیں سکتا وہ وسیم ہم پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے اتنا اسٹرانگ بنائیں گے جیسے ہم برا حالات ہو یا اچھے ہو ہم لوگ کر جائیں گے سروائیو کیونکہ ہم نے ہر طرح کے حالات دیکھے بچوں کے لیے بچوں کے لیے کیا کریں اللہ نہ کرے ظاہر زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں بٹ سٹل آپ کو بچے کو اس کے لیے تیار کرو لیکن مشکل کیا سوچتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بچہ خود بخود جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے یعنی کہ ہمارے اماں ابا نے اور مشکل زندگی گزاری ہوگی انہوں نے جیسے مشکل گزاری اس سے زیادہ مشکل انہوں نے ہمیں دیکھیں ہمیں انہوں نے ہر طرح کی سہولیات اپنے طور پر تو دی نا جو وہ دے سکتے تھے اور اب ہم نے اس کے مطابق سیکھا مجھے لگتا ہے ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ ان کو ہم ایک پوزیٹیو کہ آپ کو زندگی میں اور اگین جو آپ میں بات کر رہے تھے کہ جب ٹریول کرتے ہیں اس کی لرننگ ایک اور طرح کی لرننگ ہے پھر کانفیڈنس اور شاید فیوچر میں زیادہ ضرورت اسی کی ہے با اعتماد بچے ہوں آپ کے بیہیو کرنا ہمبل ہوں کائنڈ ہوں درد ہو لوگوں کا درد ایگزیکٹلی وہ یہ نہ ہو کہ میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا تو معاف ہو جائیں گے سارے میرے گناہ اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے وہ بزنس نہیں ان کو سکھانا کہ آپ نے اتنا کر لیا تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا یہ کر لو گے تو اس کی ساری گناہ ان کو بھی بتانا کہ نہیں آپ جو کرو گے وہ اپنی زندگی میں بھی فیس کرنا ہے اس کو پھر اور آخرت میں بھی فیس کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی نائس ود ایوری ون آپ کو ہر ایک کے ساتھ اچھا بس یہ اگر آپ بیسک ٹریننگ کر جائیں تو اللہ خیریت رکھے گا ان شاء اللہ.